तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो हम जो हमारा NCERT मैथ है क्लास टेंथ उसका जो चैप्टर नंबर 7 है आपका, या से ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसका क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि इफ़ 1, 2, 4y, x6 एंड 3, 5 आर द वर्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, और वहाँ से आपके जो वर्टिक्स हैं उसके मतलब फाइंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, x एंड y की। मीन्स यहाँ से लेट कर लेते हैं, मान लो आपका जो एक पैरेललोग्राम है, मान लो इस तरीके का एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसके वर्टिक्स मान लो ए बी और सी, ये मतलब पॉइंट है इसके, ठीक है। अब जो पॉइंट दे रखे हैं, मान लो ये पॉइंट दे रखा आपको 1, 2 दे रखा है, ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है यहाँ से 4 और कितना दे रखा है y दे रखा है, और तीसरा क्या दे रखा है यहाँ से c, मान लो ये दे रखा आपको, इसको हम क्या लिख लेते हैं c और इसको d कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3 और 5, ठीक है, ये क्या आपके पास है पैरेललोग्राम। अब देखो ये पैरेललोग्राम है तो ये इसके क्या है डायगनल है, इसको क्या कर दिया हमने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और b और c को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, ठीक है, सॉरी ये बी और डी को, तो इसका ये क्या आ गया मिड पॉइंट आ गया, किसका जो ये डायगनल हमने दोनों ज्वाइन किए इनका, ये आ गया मिड पॉइंट, हमने इसको क्या नेम दे दिया ओ, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला कहता है, मान लो मिड पॉइंट ऑफ एस सी बोल सकते हैं, तो यहां से मिड पॉइंट ऑफ एस सी क्या आ जाएगा दूसरा, ये ऐसे मिड पॉइंट ये होगा इसका, और बी डी का मिड पॉइंट वो भी निकालेंगे इस तरीके से निकालेंगे। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या आता है मिड पॉइंट का, फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट, तो देखो क्या होता है मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका यहाँ से x1 + x2/2, इसी तरह क्या होता है y1 + y2/2, ये होता है किसका आपका मिड पॉइंट का। तो हमें एसी का मिड पॉइंट निकालना है और एक्स और ये वाई की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है यहाँ से, ठीक है। तो कर दो यहाँ से एसी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो यहाँ से, तो लगाओ यहाँ से हम एसी लेंगे तो मिड पॉइंट ऑफ एसी निकालो, एसी मीन्स ये एसी, तो इसका मिड पॉइंट क्या आपका ओ है ना, तो O है तो O इक्वल क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे x1 कितना है, देखो ये x1 है, ठीक है, ये y1, ये क्या है x2 और ये y2, इसमें एसी में बाकी अलग तो आपको y चेंज मतलब y और x अलग दे रखा है, बट हमारा एसी में x1 और x2 क्या मान लो एक लाइन ही तो है, ये क्या है कि लाइन है, ठीक है, तो ये ऐसे रखेंगे इसमें x1 कितना है, x1 यहाँ पे 1 है प्लस, ठीक है, और x2 कितना आपका x है अपॉन 2, इसी तरीके से यहाँ पे क्या y1 क्या है 2 है प्लस y1 क्या है 2 है और y2 कितना है आपका 6/2, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 1 + x/2, ये तो सोल्व होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है अभी, तो ये आ जाएगा 2 + 6 कितना होता है 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा आपका, देखो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका ये 2 + 6 कितना होगा 8 अपॉन 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 4, तो हमारे पास ये निकल के आया कि 1 + x/2 और ये आ गया 4, मीन्स ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्या आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह क्या करेंगे हम मिड पॉइंट ऑफ बी डी का मिड पॉइंट निकालेंगे और दोनों को क्या रखेंगे इक्वल, क्योंकि जो डायगनल है इनके सेम है, पैरेललोग्राम में आपको पता है जो ये पैरेललोग्राम आपका पैरेललोग्राम यहाँ से क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा PRALL पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम है ना, इसका जो आपका जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है इक्वल होती है, मतलब ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल होगी, ठीक है। बट आपको मैं बता देता हूँ अच्छे से, ये आ गया आपके पास, अब यहाँ से क्या करना है AC आ गया, AC में अभी वैल्यू नहीं निकल के आई, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट निकालेंगे हमारा मिड पॉइंट ऑफ है किसका निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD, तो मिड पॉइंट ऑफ BD, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा BD का, देखो ये BD है ना,
ये डी है और ये बी, ये बी है और ये डी है, तो वही फॉर्मूला इसमें लगेगा जो हमारा यहाँ पे लगा था, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करो इसमें, एक्स वन प्लस एक्स टू, यहाँ पे एक्स वन क्या है लगा दो, कौन सा एक्स वन, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स वन हो जाएगा, ये वाई वन हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स टू हो जाएगा, ये वाई टू हो जाएगा। तो यूज करते हैं एक्स वन कितना हमारा वहां पे क्या है फोर, मतलब इसका भी मिड पॉइंट क्या है ओ है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम एक्स वन कितना है फोर, फोर प्लस, ठीक है, यहाँ पे एक्स टू क्या है थ्री है, थ्री अपॉन टू, ठीक है, वाई वन, वाई वन कितना है डी स्टूडेंट, यहाँ पे वाई है, प्लस वाई टू क्या है फाइव है अपॉन टू, हो गया, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, क्या आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपको यहां से क्या करना है, देखो फर्स्ट जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, कहोगे इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, वन प्लस एक्स अपॉन टू और फोर, ये है फर्स्ट इक्वेशन, तो कंपेयर करेंगे हम यहां पे, देखो यहां से कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे वन प्लस एक्स अपॉन टू, ठीक है, फोर इक्वल, क्योंकि देखो ये डायगोनल आपका एसी और बीडी क्या है, डायगोनल सेम है ना, मींस एसी इक्वल क्या है बीडी है, ठीक है, तो इनका डायगोनल तो जो डायगोनल है वो सेम है ना, विकर्ण सेम है इनका, ठीक है, तो मिड पॉइंट ओ है दोनों का, मिड पॉइंट एसी मिड पॉइंट वही है और बीडी मिड पॉइंट वो भी इसका क्या है वही ओ है। तो अब क्या करेंगे हम यहां से दोनों को इक्वल रखेंगे, रख दिया हमने ये, ठीक है, अब इसके इक्वल कौन सा रखेंगे, ये रखेंगे, एक बार देखो फोर और थ्री कितना होता है सेवन, सेवन अपॉन टू आ जाएगा, तो यहां पे लिख दिया हमने सेवन अपॉन टू। अब दूसरा क्या है वाई, वाई प्लस फाइव अपॉन टू, देखो अब क्या करेंगे एक्स वाले को इसके इक्वली रख सकते हैं हम, वन प्लस एक्स अपॉन टू इक्वल सेवन अपॉन टू रख सकते हैं ना, इसको फोर को इसके इक्वल रख सकते हैं, तो यहां से हमारी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम यहां से निकाल के दिखाता हूं, मैं इसको इक्वल रखता हूं, यहां पर हमने यहाँ पे इक्वल लिखा वन प्लस एक्स अपॉन टू इक्वल सेवन अपॉन टू, तो डियर स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। देखो मैंने इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया और इसको इसके साथ, क्योंकि देखो ये x होता है ये y होता है, ठीक है, ये x ये y, मतलब दोनों को बराबर रख सकते हैं हम, ठीक है, तो बराबर रख सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से ये आ जाए, देखो इसको सोल्व करते हैं, टू से टू कैंसिल आउट, अब कहोगे जी नीचे से नीचे कैसे कर दिया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आर पार गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा दोनों वैसे भी कटने हैं, ठीक है, तो ये कट गया आपके पास, तो यहां से क्या बचा आपके पास, ये बचा वन प्लस एक्स इक्वल सेवन, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू लेके आनी हमें, ये प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का, तो एक्स इक्वल सेवन माइनस वन किसके इक्वल आ गया, सिक्स के इक्वल आ गया, तो एक्स की वैल्यू डी स्टूडेंट क्या आ गई आपके पास सिक्स आ गई, ठीक है। अब वाई की, वाई के कैसे निकालेंगे, वाई को बोला था चार के किसके बराबर रखो, वाई प्लस फाइव के इक्वल रखो, तो रख देते हैं हम यहां से चार के इक्वल, देखो यहां पे कर देता हूं मैं फोर इक्वल यहां पे वाई प्लस फाइव अपॉन टू, तो क्या करेंगे अब सोल्व करेंगे इसको, नीचे इसके वन कर दिया नो इफेक्ट, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहां से इस क्वेश्चन पे, तो यहां से क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, दो की चार की करेंगे कितना आ जाएगा आठ, अब एक की रिस्क के साथ करेंगे तो सेम हो जाएगा, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए वाई की, तो वाई की कैसे आ जाएगी, ये इस साइड प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो आठ माइनस पाँच बराबर है वाई, तो आठ में से पाँच जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास तीन बचेगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट आपके पास तीन, मीन्स आपके पास आ गई एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की आ गई सिक्स और वाई की आ गई थ्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, हमने जो कंप्लीट कर लिया, अच्छे से देख सकते हो आप इसका पोज, वीडियो पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो यहाँ से था क्वेश्चन नंबर सिक्स, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हो, थैंक यू डियर स्टूडेंट।